बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो आपने दो तीन केमिकल्स जो प्री इमरजेंस के रूप में बताए और कितने दिन की अवधि के बाद में इनका उपयोग करना है, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस दवा का इस्तेमाल कितने दिन की अवधि के पश्चात करना है। इसके अतिरिक्त क्या कोई ऐसी यांत्रिक विधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं? जी मैं उसमें ले आ रहा था। ये तो अभी जो हमने चर्चा की वो है रुपाई विधि के लिए। दूसरी एक जो विधि होती है सीधी बोनी। तो देखिए सीधी बोनी रुपाई विधि क्या है कि कंपेरेटिवली उसमें कम खरपतवार का जो है आक्रमण होता है, लेकिन जो सीधी बोनी है उसमें ज्यादा खरपतवार का आक्रमण होता है। इसमें हम खेत में सीधे बीज की बुआई कर देते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि सीधी बोनी में भी हमें जो पहले लेनी है बुआई से पहले, जैसे हम खरी या हरी खाद ले लें या गर्मी में जुताई कर लें, ये दो चीजें तो करनी ही करनी है। उसके बाद भी हमें जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है बीज की बुआई के 3 दिन के अंदर वो हम ले लें। उसमें एक दवाई होती है प्री इमरजेंस जिसको फ्रेटिला क्लोर कहते हैं, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए बहुत ही कारगर होती है। उसके बाद हम 14 से 20 दिन के अंदर इसका एरीबैक्स होगी हम यहाँ भी ले सकते हैं, जिसकी तकरीबन 50 ग्राम उसको ये केमिकल है उसको आधे किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं। अब जब ये आप मैकेनिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज आपने हमें याद दिलाई कि एक रोटरी वीडर आता है जो लाइन से बोई गई फसलों में, ये हम दोनों विधियों में ले सकते हैं, जो सीधी बोनी है और जो रोपाई में लेनी है। तो रोटरी वीडर क्या होता है कि उसमें एक कांटेदार पहिए लगे होते हैं और बहुत ही छोटा होता है उसका, आप हाथ से एक व्यक्ति हाथ से चला सकता है। तो उसको लाइन से जो बीज की दूरी होती है जो खाली जगह होती है उसमें ज्यादा खरपतवार का आक्रमण होता है, उसमें हम उसको चला ले क्योंकि कांटेदार होता है तो वो मिट्टी को ऊपर से नीचे दबा देता है, उसमें जितने भी वीड्स हैं वो दब जाते हैं। उसका दूसरा फायदा ये है कि मिट्टी में जो है धान के जड़ों के आसपास जो है वायु का संचार होता है और उसमें जो रूट्स के डेवलपमेंट है जड़ का अच्छा विकास होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर साहब दी कि यदि हम यांत्रिक विधि से करते हैं तो इसमें हमें एक साथ में दो फायदे यहाँ पास कृषक मित्रों को मिलते हैं कि वो जो है वायु संचार की भी जो गतिविधि है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में आपका नियंत्रण खरपतवार का भी इसमें संभव है। तो डॉक्टर साहब ये तो जानकारी आपकी यांत्रिक विधियों की हो गई, रासायनिक विधियों की हो गई, इसके अतिरिक्त क्या ऐसी कोई विधि है? उसके अलावा एक अलग विशेष तरह की मेथड है जिसको स्टेल सीड वीड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि नया टेक्नोलॉजी है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि बीज बुआई से पहले हम खेत में पानी डाल देते हैं या पानी भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने खरपतवार हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और उस अंकुरित होने के बाद हम उस खेत में जुताई कर देते हैं तो सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें या सीधी बुआई में जानी है तो सीधी बुआई में जा सकते हैं या डायरेक्ट रोपाई में जानी है तो रोपाई में जा सकते हैं। इससे बहुत हद तक हम खरपतवार को प्रबंध कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी हमारे कृषक भाइयों को, मुझे आशा है कि कृषक बंधु इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी धान की खेती में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं खरपतवारों के इस्तेमाल के लिए जो रसायन का इस्तेमाल वो कृषक बंधु कर रहे हैं उनका उचित उपयोग करने के लिए इस जानकारी से उनको कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कृषि नेटवर्क में जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आपका जो सहयोग है और ये जानकारी देने की जो प्रक्रिया है वो सतत हमारे चैनल के साथ में बनी रहेगी। जय हिंद जय किसान। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।